हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, और जैसा कि आप सबको पता होगा, 25 तारीख से मैं पुणे से निकल गया था। फिर मैं वहाँ से समेट शिखर जी गया, फिर वहाँ से पुरी गया, फिर वहाँ से भुवनेश्वर गया, फिर वहाँ से जमशेदपुर गया, और फिर अल्टीमेटली आज मैं अपने होम टाउन आया हूँ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं राजनांदगांव में, रायपुर में, अगर वो बच्चे चाहें तो मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। सो बच्चों, आज आपके मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि दुष्यंत सर, ये कौन से घर में है? हम तो मतलब सर का घर का बैकग्राउंड देखते हैं तो वो कुछ और रहता है। आज सर ये कौन से घर पे है? ये घर तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो बच्चों, ये जो घर है, 2015 में मैंने अपने माता पिताजी को गिफ्ट दिया था। गिफ्ट बच्चों, मेरी तो खैर कोई औकात नहीं है गिफ्ट देने की, बट मेरा सपना था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, आपकी एज का हुआ करता था, तो हम सब देखते हैं यार कि हम लोग ना बचपन में बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, और मकान मालिक ना हमेशा सताता रहता है कि यार कब तुमने नल बंद नहीं किया, तुमने दीवार पे कील ठोक दी, तुमने खिड़की बंद नहीं की, तुमने किराया टाइम पे नहीं दिया, तुमको पेनल्टी लगेगी, ये वो रेंट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में घुसती रहती थी बच्चों। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मतलब हमेशा लगता था कि यार कभी ना कभी एक मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा घर बनाया जाए, बिना किसी लोन का, मम्मी पापा को कोई टेंशन ना हो। सो बच्चों, 2015 मतलब हमने काम चालू किया था 2010 में, या 2012 में आई थिंक ज़मीन खरीदी थी, और फिर काम कराते कराते लगभग 3 साल हो गए। तो बच्चों, ये जो मैं रूम दिखा रहा हूँ, ये मेरा रूम है। हालांकि इस रूम में मैं साल में 10-15 दिन ही रह पाता हूँ। तो दिस इज़ द रूम, लाइक मतलब अभी तो खैर रूम काफ़ी अव्यवस्थित है, बट आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द रूम जो हमने होम टाउन में, ये दिस इज़ माई रूम बच्चों। काफ़ी जतन के साथ बनाया था, मम्मी पापा ने तो इसको स्टोर रूम बना दिया है। सो ये ऊपर इस टाइप का कुछ पीओपी का डिज़ाइन था। फिर यहाँ पर हमारे कुछ बचपन के फ़ोटो हैं, ये मेरा बचपन का फ़ोटो देख सकते हैं, मैं और मेरा भाई। ये मेरा भाई है, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बहुत मेहनत से पास किया है इसने सीए का कोर्स। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं बच्चों, अब ये इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मम्मी पापा लोग ना इसको एकदम स्टोर रूम ट्रीट करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये एक अलग से हमने एक कमरा बनाया था कि भाई कभी तैयार वैयार होंगे तो यहाँ पे हम तैयार होंगे। तो दिस इज़ माई रेडी होने का रूम, मैं ऐसे करके दिखाऊं तो तैयारी, सॉरी ये सेल्फी मिरर है। तो ये ऐसा है कुछ, फिर ये वार्डरोब्स वगैरह है यहाँ पे, और फिर हमने ये छोटा सा बाथरूम बनाया था। बाथरूम तो खैर सिंपल है, ये इस टाइप का कुछ बाथरूम का डिज़ाइन है बच्चों। सो ओवरऑल बहुत शिद्दत से बनाया था, काफ़ी बड़ा बाथरूम बच्चों। पुणे में तो मेरे ख्याल इतने बड़े रूम हैं हमारे, और यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छे से तैयार व्यार होने के लिए अलग सा रूम बनाया था। सो बच्चों, ये चीज़ थी, ये दिस इज़ माई रूम। नीचे अभी मतलब मॉम डैड वगैरह हैं, नीचे बैठे हुए हैं। सो ऐसा सपना था बच्चों कि मैं कुछ करूँ अपने माता पिता के लिए, और सच बता रहा हूँ बच्चों, 2007 में मेरा 2008 फरवरी में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ था। उसके बाद आर्टिकलशिप, उसके बाद नौकरियाँ, उसके बाद टीचिंग, और टीचिंग में तो आपको पता होगा बच्चों, मैं 1 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ के टीचिंग मैंने शुरू करी थी। सो टीचिंग तो मैंने 35,000 रुपीज़ अ मंथ से शुरू की थी, बट हमेशा याद रखिए बच्चों, मैं भले ही 35,000 से मैंने काम शुरू किया था, और ये जो घर हमने बनाया है इसमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं। मतलब आप लोगों ने घर ही देखा होगा, लगे तो मैं इसका भी आपको लाइव कभी दिखाऊंगा। सो अच्छे शिद्दत से पैसे खर्च किए हैं बच्चों। तो जब ये घर बना बच्चों, तो जब मैंने 35,000 से स्टार्ट किया था, तो मैंने बस एक ही सपना देखा था, मतलब 35,000, मतलब मैंने कभी, मतलब मेरे मन में ये हमेशा इच्छा थी कि मेरे को ये करना ही है। मतलब भले ही मैं, जब मेरी आखिरी सांस होगी तब मैं करूंगा, बट मम्मी पापा के लिए एक बेहतरीन घर मुझे बनाना है। सो बच्चों, 2000 मैं वही बोलूँ, 2007 में मतलब 2008 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ, मतलब फरवरी 2008 में मेरा सीएस जो है वो कंप्लीट हुआ। सो एक्चुअली दिसंबर में एग्जाम थी, फरवरी 2008 में कंप्लीट हुआ। मैंने अगर शायद पहले 2007 बोला तो मुझे माफ़ करना। उसके बाद बच्चों 2015 में आई थिंक हम लोगों ने इस घर को इनॉग्रेट किया था। सो मतलब सीएस बनने के लगभग 7-8 साल में मेरा जो सपना है वो पूरा हो पाया बच्चों। तो बस मैं यही बोलूंगा कि बच्चों, अपने मन में अगर आपने कुछ सपना रखा है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था,
और बिलीव कीजिए मैंने सीएस के दम पे ही किया है, जो भी किया है बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि दुष्यंत सर का कमरा थोड़ा सा भी अच्छा है, मैं नहीं बच्चों, इससे भी बहुत अच्छे घर हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट मेरा सपना था माँ बाप के लिए कुछ करने का। तो अगर आपको लगता है कि सच में कुछ हो सकता है बच्चों, तो सबसे पहले आपको अपने सपनों पर यकीन करना होगा कि यार सच में मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों सपने को जीना है अपने को, लाइक यू नो कि भाई जो आपने सोचा ना वो आपको अपने दिमाग में रखना है और उसको आपको पूरा करने के लिए कुछ भी करना है। बच्चों जब मैं टीचिंग में आया था, आई यूज टू टीच फॉर 13 आवर्स अ डे। कभी मैं उसके ऊपर भी इसके वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये सपना था सारा मुझे करना ही था। मतलब मरने के भले मैं एक दिन पहले करता, बट मुझे ये करना ही था और मैंने किया। जब 2015 में ये घर बन गया, तो 2016 में ऐसा हुआ कि पापा बोले कि यार मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, अब क्या करने का। तो फिर हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा ही प्लॉट अवेलेबल था, तो हमने बोला कि हम वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे अच्छी सी, और वहाँ पे कुछ ऐसा कर देंगे कि मॉम डैड को एक अच्छी खासी इनकम आती रहे पर मंथ। तो वो प्रोजेक्ट भी है, और वो प्रोजेक्ट मैं कल आपके साथ लाइव शेयर करूंगा यूट्यूब पे। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा और मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट आपके साथ दिखाऊंगा भी, ठीक है। सो बच्चों बस मैं आपको ये वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद था। दुष्यंत सर, वॉज दिस अ शो ऑफ वीडियो? बच्चों शो ऑफ वीडियो अगर करना होता तो मैं बहुत साल पहले से कर सकता था, क्योंकि ये रूम वैसे का वैसे ही है। बट मैं कहीं ना कहीं आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन आपको चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, हमेशा अपने सपनों पर यकीन रखिए। बच्चों सपनों पर अगर आपने यकीन रखा, तो भगवान कहीं ना कहीं से द्वार खोल देता है कि वो कि आपके सपने पूरे हो जाएं। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, क्योंकि जब आप सीएस करते हैं या जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्योंकि बच्चों अगर आपने अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित किया ना बच्चों, सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाएंगे। मोबाइल, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालना है बच्चों, उससे अच्छा बस अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का जज्बा अपने दिमाग में रखिए, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। इस बार ये सपना था कि मम्मी पापा के लिए कार भी खरीदनी थी। मैंने बहुत पहले XUV500 एक पापा के लिए ली थी, और इस बार सपना था कि पापा की कार भी चेंज कर दूँ। लेकिन इस बार बजट थोड़ा सा टाइट हो गया, क्योंकि जो सामने घर बना है जो मैं आपको कल दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे पैसे लग गए हैं। तो कार नहीं रिप्लेस कर पाया, बट उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक शायद एक अच्छी कार भी रिप्लेस कर दूं, बिकॉज ये वाली जो कार है मम्मी पापा की काफ़ी ज़्यादा चल गई है ये कार। एनीवे बच्चों, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और प्लीज़ बच्चों प्लीज़ आप भी मेरी तरह ये ठान लीजिए कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, और आप देखिए बच्चों भगवान अपने आप द्वार खोल देगा, और आप निश्चित ही जीवन में कुछ बेहतरीन करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। बस डिस्ट्रैक्शंस बाजू में रख दीजिए, और फिर देखिए कि तरक्की कैसे आपके घर पर आती है, आपकी जिंदगी में आती है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।